करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा काम है, जेलो जा सके थे तो भी तो इतना बड़ा काम करेंगे तो कहा अगर तुम बना दोगे ना तो मैं तुमको रोज सुबह दुर्गा मैया की पूजा करने जाती हूँ। पूजा करने? हाँ, और मैं पूजा में लेके प्रसाद लेके जाती हूँ। हाँ, उसमें लड्डू लेके जाती हूँ। लड्डू? हाँ, और मैं पूजा करके आऊंगी तो मैं तुमको उसी दुर्गा मैया का प्रसाद दूंगी। हाँ, वो भी दो लड्डू। लड्डू? हाँ। एक की अलाव दे दिया। आज दुर्गा मैया प्रसाद के रूम में तुमका दो लड्डू दिया। एक बड़ी भारी मनाई। बल्कि ने कहा एक केला दे दो, कहीं केला नहीं दे। देखिए हम लोग नहीं करेंगे ऐसा काम, नहीं करेंगे नहीं। हाँ, हमें भैया बोला खाइए नहीं। से फूल हो जाए अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मर जाओ, हमको कोई फर्क नहीं। मरो, यही लड़के नहीं मरोगे। तुम मरो, तुम क्यों गिर रहे हो? तुम कौन हो? जल्दी हो जाए। अगर किसी औरत का पति खत्म होता है तो औरत विधवा होती है। तुम्हारी समस्या का समाधान है प्यार, प्यार यहाँ हमारे बारे में तो सोच लियो मान जा रहा है।
हवा कर दो ना, हम प्यार करेंगे प्यार। अब हम दोनों आपस में ये राजकुमारी तुमको अच्छी लगती है, अब तुम क्या करोगे? तुम राजकुमारी से प्यार कर रहे हो और तुम जय जय मोखा वाले दादा रहा दादा आलू लूं आलू लूं नहीं आई लव यू बोल रहा है। तो भाई तुम दादा प्यार करो, हम दादा से प्यार करो, सारे प्यार मोहब्बत लड़का और लड़की में होता है। बोलो नंदी तुम राजकुमारी से प्यार कर रहे हो, हम दादा से प्यार कर, तुम भाई पूरी कर रहे हो, पूरी खाऊंगा हम आप पर पर्यटन काम चलाओ कर जाना मैं तुझे प्यार तो कर लिया, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और आप महिला परेशानी है, इसलिए आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा साथ नहीं छोड़ना। और मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ जीवन भर तक नहीं छोड़ूंगी। Yeah.
दिया जाए। मुझे नहीं पता था कि इस शमशीर में इतनी बड़ी शक्ति छुपी है, जो इस शमशीर को उठाएगा यहाँ से 1400 कोस दूर जाएगा। अगर हम लोग जाते तो कसम हमारी मैया की साहब, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। हम घर में दो ही प्राणी है, मैं हूँ और मेरी बूढ़ी माँ है। अगर हम लोग इतना बड़ा कार्य करने के लिए जाएंगे और मेरी बात ये बात अगर मेरी माँ सुनेगी तो इस अवस्था में जीते जी मर जाएगी सर। हाँ सर, हमारी चाहानी समझकर हम लोग को माफ कर दिया। आपको मालूम है ये सेना प्रत्याशी अपने खर्च की गद्दारी नहीं कर सकता है, और अगर तुम लोगों ने साथ तुम्हारी साहित्य को उठाया है तो तुम्हें यहाँ पे 14,000 को दूर पारस लोग जाना ही होगा बेटी, जाना ही होगा। और अगर तुम लोग पारस लोग नहीं गए तो सम्राट यहाँ पर तुम्हें फांसी पर लटका देंगे और तुम्हारी जीवन लिया तो समाप्त कर देंगे। अगर आप चाहें तो हम लोग की जान बच सकती है, ये बात सिर्फ आप ही अकेले जानते हैं, रियासत में कोई नहीं जानता कि शमशीर को हमने उठाया है। अगर आप चाहें तो एक झूठ से हमारी जिंदगी बन सकती है। हमारे लोग मैं ना इस बात से झूठ बोल सकता हूँ और ना ही अपने खर्च के साथ गद्दार कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारी मदद जो करना चाहता हूँ और तुमसे कहना क्या चाहता हूँ मेरी बातें जरा ध्यान से सुनो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर एक दो कोस होता तो हम लोग पैदल चले जाते, तो 10-20 कोस होता फिर भी चले जाते साहब, लेकिन 1400 कोस तो कौन जाएगा साहब। हमको माफ कर दिया जाए, हम नहीं जा पाएंगे। लोग जाने से इनकार करोगी तो तुम्हें फांसी का लटका दिया जाएगा, और हो सकता है कि पारस लोग जाओ तो वहाँ द्वार पार कर सकते और तुम्हें बोलता हुआ गुलाम शायद मिल जाए, इसलिए आपके के साथ खून लिखना होगा। और अगर तुम्हें पारस लोग से बोलते हुए गुलाम बुलाते हो तो तुम्हें इस तरह का राज्य के आगे का मालिक बना दिया जाएगा और राजकुमारी प्रजा के साथ तुम्हारी शादी आजा दी जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानो ना ही मुझे दौलत की भूख है, हम गरीब आदमी, हमको दो वक्त का निवाला ही मिल जाए इतना काफी है सर। हमको शादी की लालसा भी नहीं है, हमें आगे राजपाट की भी लालसा नहीं है, लेकिन साहब अगर नहीं जाएंगे तो फांसी हो जाएगी, और मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ भी मारी जाएगी साहब। चलो और जो भी गुजारिश करना है तुम्हें निवेदन करना, वो भले राजा सम्राट से करना, हो सकता है सम्राट तुम्हारी जाऊंगी और जानकारी को देकर तुम्हें माफ कर दे और पारस को न भेजे तुम्हें। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है, मौत तो हमारे दोनों तरफ है, मौत आगे भी है और मौत पीछे भी है, इसलिए आप दरबार चलिए, हम लोग आ रहे हैं।
ठीक है किसान में चलता हो उसकी भागने की कोशिश नहीं करो। याद रखना बोलना मत का पकड़ा चलो तो बोलो भर जाता है ओके। हेलो बिहारी वाले माता थे माता थे अभी देख बैग बैग में क्या दिन का रही थी उस दिन को लेकर सब के नाम देते हैं उनका एक टाइटल है कपड़िया राजा ये जीवन में क्या हो गया यार अभी चंद मिनटों पहले हमारे जीवन में कितनी खुशहाली थी बहुत बड़ी खुशहाली आई थी लेकिन समय ने इस तरीके से करवट लिया कि हमारे जीवन में अंधेरा छा गया अगर हम इतनी दूर नहीं जाएंगे फारस लोग तो महाराज हमको फांसी की सजा दे देंगे। हाँ भैया अगर इतनी दूर जो कोई जाएगा भी तो जाते जाते मर जाएगा आई जाते हैं महाराज जी के पास अगर ये बात माँ के पास पहुँच गई तो बड़ा अलर्ट हो जाएगा भैया एक काम करो आइए सेनापति दयाल सिंह के कहने पर पीछे पीछे अगर महाराज तक पहुंच गए तो हम तो फांसी में जाएंगे। लोगों के पहुंच गए पहले रात लहर होकर तबाह पहुंचते हैं अब हम से सो देते हैं और कोई ना कोई सही तो रहते हैं हमारी जान खबे से पाल भैया अगर राजकुमारी प्रतिभा राज दरबार में बता दिए कि राम बलि मंत्री साथे रहे तब तो हमका सिंहासन पर तो आ जाए।